नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि पिछले वीकेंड हमने बहुत कमाल की फिल्म देखी है। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फिल्म, नेता नगरी में मैंने जिक्र भी किया था इस फिल्म का। फिल्म का टाइटल है इज लव इनफ सर, लेकिन ज्यादातर बातचीत में इसका जिक्र सिर्फ सर कह के आ रहा है। लेकिन चूंकि इस नाम से पहले से फिल्म है, कॉपीराइट का कुछ चक्कर रहा होगा, और हम तो उस पीढ़ी के पले बड़े हैं जहाँ पे दाग के नीचे दाग द फायर लिख के टाइटल वाले वैतरणी को पार कर लिया जाता है। फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है तिलोत्तमा शोम ने, जिनकी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प है। तो उन तिलोत्तमा शोम का ललन टॉप अड्डे पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सौरभ फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू अगेन। ये बताइए कि जब इस फिल्म के बारे में मैं या कोई भी और दर्शक एक बुनियादी रिसर्च करता है तो लिख के आता है कि साहब 2018 में फिल्म बनके तैयार हो गई थी और नेटफ्लिक्स पे ये अब रिलीज हुई है, ये क्या जो सो कॉल्ड एक घिसे पिटा, अगर क्लीशे वर्ड यूज करूं, आर्ट हाउस फिल्मों के साथ ऐसा होता है? तब मार्केट रेडी नहीं था, या कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्यादा सूट करती हैं, थिएटर वाले उतना रिस्क नहीं लेते, ये होती क्या है मैकेनिज्म? व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्टर इन सब के बारे में? मैं सबके बारे में सोचती नहीं हूँ सौरभ, मेरा काम ही नहीं है ये। मेरा काम है मतलब स्क्रिप्ट को ठीक से पढ़ें, और अगर उस स्क्रिप्ट को पढ़ के मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ है जो मुझे करना है और एक्सप्लोर करना है, तो उसको मैं कितनी सच्चाई से एक्सप्लोर कर सकती हूँ और उससे मैं कितना रिलेट कर सकती हूँ, वो मेरा फोकस है। अब फिल्म कब रिलीज होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, और क्या प्रोजेक्शन है उसका बॉक्स ऑफिस में, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं ये प्रिडिक्ट कर सकूँ, यू नो। एंड तो ये जो कैलकुलेशन है ये मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ, और मुझे ये भी मतलब एक डिसिप्लिन सा बन गया है कि अपना जो काम है वो ऑडियंस तक पहुँचने में वक्त लगेगा, अपना जो काम है उसको बनाने में, उसको गढ़ने में, उसको समझने में, उसको पैसे फंडिंग मिलने में, उसको शूटिंग तक पहुंचने के लिए, शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वक्त लगेगा, प्रिपरेशन के लिए, कैरेक्टर को समझने के लिए वक्त लगेगा। तो ये मतलब पिछले 20 साल से अगर आप देखें तो मैंने जो भी काम किया है सौरभ, उसमें ऐसा नहीं था कि मतलब जो आपका जो है ना चटमंगनी पट दिया, ये कभी हुआ ही नहीं है हमारा काम के साथ। मतलब वो एक इट्स ऑलवेज बीन अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द टाइम यू गेट द स्क्रिप्ट टू इट रीचिंग द ऑडियंस। It's a long journey. It's always been a long journey. Okay. So I'm used to that. You know, एक होता है ना कि आप कुछ करें और आपको immediately validation मिल जाए। वो हमारा मतलब career का वो ऐसा रहा ही नहीं। हमारे लिए सब कुछ मतलब time has been a very good friend and a very good teacher. Okay. So before I jump to the next question, which is about कि जब आपको ये स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट सुनाई थी रोहन गेरा ने, ही राइट्स रोहन गेरा, राइट, रोहन गेरा, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, रोहना गेरा, तो आई विल कम टू दैट कि वो क्या था पूरा स्क्रिप्ट का पार्ट एंड व्हाट मेड यू से यस टू द ऑफर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों और हफ्तों से किस तरह के शानदार कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं आप लोगों के पास। एक्चुअली सौरभ, ये OTT प्लेटफॉर्म में, ये जो नेटफ्लिक्स में आया है हमारी फिल्म, जब से आया है तब से एक ये जो नंबर गेम है ना, वो हमें कभी समझ में आया नहीं है, ना हमें कोई इंटरेस्ट है उससे। बट एक ऐसा मतलब ओवरवेलमिंग सा एहसास हो रहा है कि ये नंबर है क्या, क्योंकि मेरे इनबॉक्स में मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ हर एक इंसान को जो जिसने फिल्म देखी है और जो लिख रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, फिल्म अच्छी थी, ये ऐसे तो हम खैर यू नो ऐसे सुनाई देता है वैसे भी, मतलब दूसरों मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द मैसेजेस दैट आई एम रिसीविंग आर वेरी डिफरेंट सौरभ, इफ पीपल आर कनेक्टिंग टू इट इन अ वे दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब एक ऐसे मैसेज, काफी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनके माता या पिता पेरेंट्स ने देवर डोमेस्टिक वर्कर्स इन पीपल्स होम, एंड सेकेंड जेनरेशन उनके बच्चे आज पढ़ लिख के यू नो कंपनीज और ऑफिस में काम कर रहे हैं।
तो वहां से ऐसे काफी मैसेजेस आए कि यू नो दिस इज द स्टोरी ऑफ माई मदर. देर हैव बीन स्टोरीज वेन मैन हैव रिटन वेरी सेंसिटिवली सेइंग कि यू नो आई हैड फॉलन इन लव विद द लेडी हु वर्क इन माई हाउस बट इट क्रिएटेड सच अ रकस इट क्रिएटेड सच अ सेंस ऑफ डिसग्रेस दैट आई वाज सेंट अवे. You know, I was sent away to study abroad, or the maid was sacked. So these kind of, which I cannot share, I cannot repost such things because these are really private sharing. But I do feel, and many messages have come where people have related to Ratna's dream, ability to dream. तो मुझे लगता है ये जो मतलब सपने देखने का हक जो है, it's a universal right, you know, and that has touched a chord. And I think the right to love. You know, I think that has touched a chord. So these messages are not like film देखी बहुत अच्छी लगी, you know, या acting अच्छी लगी आपकी. ऐसे जो messages आ रहे हैं ना, मुझे लगा कि उससे मुझे कुछ feeling आई कि ये हमारी independent film Netflix में trend कैसे कर रही है. मेरी कोई फिल्म पहले की कोई फिल्म ऐसे नहीं आई है जो मतलब which I love, but they have not, they are not part of the you know community of actors whose films do commercially well. Or you know are trending. We have never been part of the trendsetters. You know, so why has this happened for this film? I'm also trying to understand it. And maybe from the messages, I feel it has touched a chord. It has touched people's hearts in a certain way. Because class is a problem that we don't want to recognize in our society. जैसे कि apartheid जब हुआ था, civil rights movement हुआ था अमेरिका में, इतने इतने साल लग गए. पर लोगों को 60s में एटलीस्ट दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि ये जो हो रहा है ये गलत है. पर व्हेन इट कम्स टू क्लास ब्लाइंडनेस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट इन इंडिया. एंड अनलेस यू डोंट टॉक अबाउट इट मतलब उसका हल कहाँ से निकलेगा. पहले तो आपको रिकग्नाइज करना है ना कि ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में. हम इतने क्लास इतने प्रेजिडिस्ड हैं रिगार्डिंग क्लास. वी आर सो स्नोबिश. We have such deep and deeply entrenched prejudices, and we are so class bound. पर हम उसे recognize ही नहीं करना चाहते क्योंकि अगर recognize करने लगे तो हम सब guilty है ना. सारे जो अच्छे लोग बैठे हैं, जो educated लोग बैठे हैं, जो हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, सबके अंदर दिख जाएगी ना गंध. तो मतलब हम तो recognize ही नहीं कर रहे हैं. तो मुझे लगता है क्योंकि हम हमने इसको इस तरीके से दबा के रखा है कि ये फिल्म मुझे लगता है इज टचिंग पीपल बिकॉज बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस यू नो. What was your initial reaction जब रोहिणा ने ये आपको पहला नरेशन दिया? क्योंकि when जी we were watching it, I'll be honest with you, me, क्या my wife and couple of other जी people, so you're like, oh, मतलब एक जैसे आप जी प्लॉट सुनते हो ना कि there's a fellow who's a billionaire जी जी और उसकी जी मेड है, तो एक सर्टेन सेक्सुअल टेंशन और एक्सपेक्टेशन है जो आप पहले मोमेंट से बिल्ड कर लेते हो अपने दिमाग में, पर जी इतने जी सेंसिटिवली और सेक्सिज्म मतलब जेंडर की, क्लास की, सिटी की, जी मैरिटल स्टेटस की इतनी लेयर्स हैं कि बहुत वो स्मार्टली डील करता है। जी पर जैसे आपने कहा कि आपको जी जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, एक लोगों के दिमाग में वो टैबू भी है। आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि अभी जब मैं उसको देख रहा था फिल्म को, तो मुझे जो सबसे पहले जो ध्यान आया एकदम से, वो जो दो बड़े ऑब्वियस से रेफरेंस ध्यान आए, एक तो लस्ट स्टोरी का वो रेफरेंस है जिसमें वो नील जी भोपालम का जी कैरेक्टर है, हाँ जोयाज हाँ जो है फिल्म, तो ही इज मेकिंग आउट विद हिज मेड एंड यस ऑल। और फिर जो दूसरा बहुत आता है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे जोक्स बने हैं, दैट शाइनी आहूजा एलिजिट एपिसोड व्हिच इज इन जी कोर्ट। यस सो व्हाट वाज द पिच एंड वाज देयर एनी अप्रिहेंशन जो अगले ड्राफ्ट में ये या किसी और नरेशन में दूर हुआ? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैड एज एन एक्टर टुवर्ड्स योर राइटर डायरेक्टर? तो सौरभ जस्ट स्क्रिप्ट कोई पिच नहीं था. यू नो कि ये रोहिणा ने साफ साफ मुझे कहा कि ये मेरी स्क्रिप्ट है आप पढ़ेंगे. और उस वक्त तो उस दौरान मैं कोंकणा की फिल्म डेथ इन द गंज के लिए शूट कर रही थी झारखंड में. तो तब मुझे रोहिणा से फोन, फिल्म बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस फिल्म में शामिल हो तो आप पढ़ेंगे कि नहीं. हाँ भेज दीजिए पर क्योंकि मैं शूट करी तो मुझे वक्त लगेगा पढ़ के आपको मतलब रिस्पांस देने में. तो
तो एक दिन छुट्टी हो गई, शूट कैंसिल हो गई कोको की फिल्म, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। और शुरू किया मैंने, तो लगा कि ठीक है, पर एक डर सा, एक फीलिंग हो रही थी कि ये जा कहाँ रहा है, वेयर इज इट गोइंग दिस स्टोरी। आई वॉज सो टेम्पटेड कि पीछे मतलब पूरा टर्न करके देख लूँ क्या होता क्या है यहाँ, दैट टेम्पटेशन टू लाइक इट इज गोइंग वेल, ओके इट्स गोइंग वेल, बट वेयर विल इट गो, हाउ डज इट एंड, एंड सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आई कुड फील कि मेरी जो मतलब मेरे अंदर जो एप्रीहेंशन है वो बढ़ रही है कि क्या होने वाला है, इसके साथ क्या होगा, रखना क्या होगा इसके साथ। एंड बाय द टाइम आई रीच द एंड ऑफ द फिल्म, सॉरी आई जस्ट आई थिंक द प्रीडोमिनेंट फीलिंग वॉज ऑफ गिल्ट कि जो चीज, जो अंदाज, जो सिस्टम को जो फिल्म क्रिटिक करने की कोशिश कर रही है, वो जो सारी चीज जो फिल्म क्रिटिक करने की कोशिश कर रही है वो तो मुझ में ही है, आई एम गिल्टी। अब चाहे आप कितना भी पढ़ लिख के अच्छे कपड़े पहन के अच्छे घर में बैठे, पर वो नाखून के नीचे जो गंध है वो चाहे आप नेल पॉलिश से ढक सकते हैं पर गंध तो है। और ये गंध कि हम सोच ही नहीं सकते कि जो इंसान हमारे लिए खाना बना रहा है, जो खाना हमारे मुंह के अंदर जा रहा है, पेट के अंदर, शरीर के अंदर जा रहा है, जो हमारा बिस्तरा बना रहा है जिसपे हम सोते हैं, इतना इतनी इंटीमेसी है इस रिलेशनशिप में। पर हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है दैट कैन नॉट इवन एक्सेप्ट दैट दे कैन बी लव बिटवीन टू सच पीपल, एंड इट्स अ रियली इंटीमेट रिलेशनशिप। कितने दोस्तों को आप अपने बेडरूम में आने देंगे? बट आई सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट माय फर्स्ट रिएक्शन वाज ऑफ डीप डिस्कम्फर्ट, आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल, आई वाज अनकंफर्टेबल विद व्हाट द फिल्म मेड मी फील अबाउट माय सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस कि ये तो करना है, पर करने करना है, देन हाँ बोल दिया, फिर सारा लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, देन इट बिकेम अ रियलिटी, ओह शिट ये तो कर रहे हैं। तो ऑनलाइन गए, गूगल पे देख रहे थे, मुझे लगा कोई टेस्टिमनीज मिलेंगे, कोई सपोर्ट ग्रुप होगा, कहानियां मतलब होंगी, पीपल हु हैव डेड टू ब्रेक दिस टबू, टू फॉल इन लव अक्रॉस क्लास एंड कास्ट, एंड सो आई थॉट आई लुक ऑनलाइन, देर विल बी अ सपोर्ट ग्रुप, आई एम श्योर देर विल बी स्टोरीज, whether fictionalized or testimonials, but when I went online, just like how you said, it was really unfortunate, like the Shiny Ahuja example you gave, and I don't want to comment on it because it's sub judice, but Yes. I'm saying online, sort of the hits that came up were all pornography. तो हमारे सोसाइटी में तब मतलब जो है ना, मतलब शरीर में जो खून है ना, तो मुझे लगा कि मुझे या तो बुखार वाली फीलिंग आ रही है, या मुझे लगा सब कुछ ठंड सा, मतलब ये मैंने क्या कर दिया, ये हाँ क्यों बोला, क्योंकि हमारे सोसाइटी में फिक्शन में भी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि टू पीपल कैन फॉल इन लव अक्रॉस क्लास, फॉरगेट रियलिटी, इवन इन फिक्शन वी कैन ओनली इमेजिन इट इन द वर्ल्ड ऑफ voyeuristic, exploitative world of pornography. That's when I called up Rohina and I said, Rohina, you have written this film with a lot of love. You have written it with a certain question in mind that you are asking, ki, why can't we fall in love? Kyun nahi ho sakta na pyar? But our society doesn't look at this. So how do we not make this film voyeuristic? How do we not make this film titillating? So then she gave me a note, Saurabh. She said ki, I want Ratna's character, ki matlab uske saath jo bhi ho, acha ho, bura ho, koi se insult kar raha hai, koi uski tareef kar raha hai, jo bhi ho, she never loses her sense of dignity. To ye sur pakad ke rakho aap, puri film mein. And we will be fine then. So I just trusted her that no matter what, Ratna never loses her sense of dignity. And sort of that was the, I think, was the saving
like you know ek hota hai na that this rope that you hold on to so that you don't sink at any point of time, you know, that became that rope because I realized that dignity is not something that the rich can buy. खरीद सकते हैं क्या हम? मतलब डिग्निटी एक ऐसी चीज है, या आपके पास है या आपके पास नहीं है, ना आप उसे खरीद सकते हैं ना आप उसको रेंट पे ले सकते हैं, यू नो. एंड इट वॉज समथिंग दैट बिकेम हर, जैसे यू नो क्रिप्टोनाइट, उसका सुपर पावर, रत्ना का सुपर पावर क्या है? इट इज डिग्निटी. सो वंस आई हैड दैट आई फेल्ट सेफ. एंड ऑफकोर्स वंस आई मेट Vivek Gomba was finalized for the part, and even in the audition with him, and once we started doing the workshop, I realized there was a difference in the way Gomba approached Ashwin. A difference ye hai ki usme wo cheez nahi thi ki dekhiye dekhiye main kitna evolved insaan hu, main kitna woke aadmi hu, ki I fell in love even with my maid. Wo nahi tha. उसमें बस ये था कि आई हैव फॉलन इन लव विद हर. बट देयर इज अ बिग डिफरेंस ना सौरभ, व्हेन आई से समथिंग लाइक कि बिकॉज़ आई एम सो नाइस, यू नो, बिकॉज़ आई एम अ गुड गाय, दैट्स व्हाई यू नो आई फेल इन लव विद माय मेट. इज इट अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग दैट एंड सेइंग आई हैव फॉलन इन लव विद हर. या द डिफरेंस shows your relationship with class, you know. Yes. That and Gomba did not bring that into the playing at all of the character. That's when I realized, okay, we are safe. We are safe because the way Vivek played Ashwin, there was no sense of देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं तो अपने maid के साथ भी मुझे मतलब प्यार हो गया, you know, कितना evolved हूँ मैं. ऐसे कुछ नहीं था उसके उसमें उसकी एक बूंद भी नहीं थी, you know. It was love. I have fallen in love. You don't plan and fall in love with people, no? And that is what made me feel. I think between the way Vivek played the character and Rowena's note of keeping Ratna's dignity, that kept our film safe. It kept our film safe from that kind of exploitative dynamic that we see in our society. When you were talking about that... डिग्निटी पार्ट, एकदम से मुझे फिल्म के बहुत सारे सीन्स फ्लैश हो रहे थे. हर कन्वर्सेशन, लास्ट कन्वर्सेशन विद द मास्टर जी टेलर, फिर जब वो उसके लड़के की मदर इन लॉ के यहाँ जाती है फिश पकाने और वो एकदम से किचन में आता है, द वे शी रिएक्ट, आई मीन शी कीप्स बाउंसिंग बैक, आई मीन कीप्स पुशिंग. और जब वो फाइनली उसको बोलती है टेबल पे कि सर, वो अपनी स्टोरी फर्स्ट टाइम नरेट करती है, जब पहली बार एक पर्सनल टच आता है उस कन्वर्सेशन में, Beyond giving नीबू पानी and everything, कि मेरे साथ ऐसा हो गया था. और वो ऐसा भी लगता है देखिए कि वो थोड़ी सी ट्रांस में है, कि वो अपने से बोले जा रही है, एक उसके लिए भी कैथेरेटिक है वो सब चीजें. So yes, very beautifully written and you talked about that thread. You have already mentioned Vivek Gomba. मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे इसमें आप हैं, विवेक गोम्बर हैं, गीतांजलि कुलकर्णी का एक सब ठीक ठाक सब पार्ट है, जो तीन मेन दिखते हैं. जी, एक किरदार है जो पूरी फिल्म में है लेकिन दिखता नहीं है. वो मतलब वो भी बड़ा कमाल की राइटिंग है कि आपको हर वक्त लगता है हर नॉक के साथ कि शी बैक, शी माइट कम, यू नो. फिर भी नहीं, मैडम ने कपड़े मंगवाए हैं, नहीं अब तू कहा, यू नो. वो बहुत अच्छी चीज है. कास्टिंग का क्या प्रोसेस रहा था तिलोत्तमा इसकी? I mean, though I should have asked Rowena this question, but now I'm talking to you, so. Casting, well, सबसे पहले आपने हाँ बोली. जी, I mean, Rowena offered me the part. I'm so grateful because she could have gone with a Marathi actress, and you know, because I had to learn Marathi for the film. But I'm really glad she gave me this opportunity. उसके बाद once I was cast, then she did basically audition का process ये था कि I would go you know to this audition room and play out a few scenes with various actors that she had thought of for Ashwin and do the scenes with them, and she would watch the scene and so we met a few actors like जैसे द्रौपदी का होता है ना, कि मतलब you know she's
like not Draupadi, sorry, like how there is a whole assembly of men. Swayamvar hota hai ki acha ye nahi ye nahi Swayamvar, exactly. Yes. Exactly. So it was like a Swayamvar where I had to go and work with different actors and she watched us, she watched our chemistry, she watched the dynamics. And then I think when Vivek came into the room and we did the scene, she instantly felt something was different. I also felt something was different, but I couldn't understand what. And it was much later when we started shooting, I realized ki, what Vivek was doing. He was, I think, maybe unconscious of the fact that he did not think that what Ashwin was doing was anything great. You know, treating people equally is not something great. It is just being human. It's like हम बोलते हैं ना ये एक्टर इतने बड़े एक्टर हैं पर वाह यार टाइम पे आ गए काम पे कितने महान हैं काम पे टाइम पे आना इज नॉट सम साइन ऑफ महानता ना इट इज बेसिक मैनर्स सो आई थिंक फॉर अश्विन ऑल्सो ट्रीटिंग पीपल इक्वली इज नॉट अ साइन ऑफ ग्रेटनेस इज जस्ट बींग नॉर्मल सो आई थिंक दैट वॉज द डिफरेंस इन गॉम्बर्स ऑडिशन And once he was selected, I knew that Rowena was very keen on Geetu. We weren't sure whether she would say yes to it, but we are very grateful. And also because of, you know, Vivek, Gomba and Geetu go back a long way because of court. And so she said yes. And I know that after Pushpendra, who is a wonderful filmmaker himself, he was the DA on Kissa. So I know him from then. He did a workshop with Vivek and I, and where he helped us, you know, understand and explore the dynamic between these two people. What could be the various ways of being in that space and negotiating? Because ये film की सबसे बड़ी challenge ये थी, you know, सौरभ की मतलब it's one space, right? ऑलमोस्ट लाइक कैबिन फीवर जो होता है ना मतलब एक ही जगह में ये दो इंसान एक साथ दे आर स्टक इन अ वे तो एंड द चेंजेस दैट आर हैपनिंग बिटवीन देम आर सो माइन्यूट देयर इज नो बिग इंसिडेंट देयर इज नो बिग रिवील यू नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज वेरी स्लो सो हाउ डू वी कैलिब्रेट इट सो दैट इट बर्न स्लोली 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 ये बड़ी इस फिल्म की खासियत है और दूसरी चीज उसमें जो बीच बीच में म्यूजिक आता है we might be wrong in our observation, but हम लोग ऐसे मीरा नायर की ऐसे फिल्में देखते हैं ना तो जो बैकग्राउंड स्कोर है वो उसको सटल और सेटल करने में बड़ा हेल्प करता है उस टाइप का फील आ रहा था प्लीज से me that you know what is the difference between being Alice in Monsoon Wedding and Ratna in Is Love Enough they are you know completely different yes you know one was really in the realm of magic realism you know Alice's character or Ratna is in so rooted in reality in a very very different way and in any way that's like saying two doctors are the same Or saying two engineers will play it the same. No, two journalists are the same. Look at your style, Saurabh. It's completely different from anyone else. I met you a few years ago. Your style, your energy. Can I say that, okay, now next, in my next film, I'm playing a journalist. So I should have a journalist body language. Wo kya hota journalist ka body language? Main kis pe, matlab, har ek journalist alag hai na. So har ek jo domestic worker hai, jo maid hai, jo doctor hai, wo to alag hi honge. कहां से आई गई सिमिलैरिटी तो ये भी जो लोग मुझे पूछते हैं कि आपने एकदम मेड का जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम यू गॉट इट सो करेक्ट मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस क्वेश्चन ऐसे रिमार्क से पता है क्यों क्योंकि मुझे लगता है क्या होता है मेड का बॉडी लैंग्वेज ऐसे कोई इंसाइक्लोपीडिया है क्या कोई बुक है क्या कि मेड की कोई बॉडी लैंग्वेज होती है जर्नलिस्ट का कोई बॉडी लैंग्वेज है क्या जिसको आप कट पेस्ट करके मतलब you know you can perform it Ratna had for me there was no reference Ratna is Ratna there is nobody else like her you know that, like there is nobody else like you you yes. know
how we should not reduce people to stereotypes. It is, and this just shows our class, you know, that we think there is a certain kind of body language that servants have, you know. So, sorry, I'm digressing. No, please. There's the whole concept of adda. पूरा खुल के बात हो आप तिलोत्तमा मुझे जब लैंग्वेज का बता रही थी तो मेरे ख्याल से आपके फादर एयरफोर्स में रहे तो खूब जगह जगह पोस्टिंग भी रही है इज दैट ट्रू जी सो चार साल बिल्कुल सो लैंग्वेज एडेप्टेबिलिटी इज समथिंग बैंगलोर तक तो मतलब जैसे आप अलग अलग जगहों पे रही अलग अलग भाषाओं का एक्सपोजर रहा तो ये कैसे शेप करता है किसी की पर्सनैलिटी को मतलब ये वाला जो अलग अलग लैंग्वेज और उसके जरिए कल्चर का एक्सपोजर है बिकॉज यू आर सेइंग कि मुझे मराठी सीखनी पड़ी जी जी एक चीज ये ना कि सौरभ जब हम छोटे थे और एक स्कूल में मतलब दोस्त बने नहीं दूसरे स्कूल चले गए क्योंकि दो साल गए एडजस्ट करने में फिर जब एडजस्ट हुए फिर टाइम हो गया निकलने का और उससे एक चीज तब तो समझ में नहीं आया कि बाद में 20 साल बाद हम एक्टर बनेंगे पर तब एक चीज समझ आया मुझे कि द एबिलिटी टू बी इनविजिबल वाज समथिंग आई वाज लर्निंग कि मतलब अपने आप को इस तरीके से रखें कि किसी को दिखे ही ना कि आप हो यहाँ तो ये जो वॉलपेपर जैसे होता है ना जो कोई मतलब देखता नहीं है पर है it doesn't I think that is something that happened moving from one place to another in order to fit in I had to make myself invisible so that I don't get too much attention and that ability to become invisible then opened me to watching others without them knowing that I'm watching because I was not the flashy talented a child who was the center of everybody's attention. I was the new kid who didn't talk much and was always in the background. And being in the background, the beauty of being in the background, the beauty of not fitting in, is that you can really observe life, you know, from far. And maybe that was a shayad tab mujhe na pata ho ki, but that must have been a preparation for a fantastic preparation. For a life of an actor, you know, where you are asked to observe only, na? You're asked to observe life. So I think Baba's transferable job laid out a foundation for me that I didn't realize would be so helpful. So iska drawback ye hai ki we are master of nothing. You know, I've not mastered any language. You know. बंगाली हो कन्नड़ा हो हिंदी हो पंजाबी हो कश्मीरी हो सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा पता है मतलब जो बोलते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बट सो दैट इज ऑल्सो ड्रॉबैक एंड समटाइम्स ऑल्सो द ड्रॉबैक इज बिकॉज डोंट वॉन्ट टू टेक टू मच स्पेस इन अ रूम I don't want my personality to take too much space because that's how you protect yourself when you're constantly an outsider. I've always felt like an outsider because you are always moving like a gypsy, you know. So when you have that outsider complex, then you tend to also then develop a certain kind of personality, which is a little bit more reserved. तो उसका मतलब अपने सब चीज जो है उसके प्लस माइनस होते हैं ना सो बट आई वुड लाइक टू लुक एट द प्लस ओनली और क्या करें ओके सो यू वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन पार्ट व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ बीइंग एन एक्टर कैन यू टेल अस मोर अबाउट व्हाटएवर हैपेंड टू बेटी लेमन यस पीयूष मिश्रा One man show. क्या 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 जादू हुआ था उसको देखते हुए तिलोत्तमा के दिमाग में? That play and then you played Appu's math character in Vibhuti Bhushan Bandopadhyay's Pathir Panchali drama as well. Yes. So those two particular
सो आई लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ बिकॉज माई पेरेंट्स आर इनक्रेडिबली प्रोग्रेसिव एंड इनक्रेडिबली सपोर्टिव एंड तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ मुझे कहा ही नहीं था कि ये बनना है या वो बनना है या ये करना है. तो एंड आई हैड अ स्टैमर, माई फादर ऑल्सो हैज अ स्टैमर, सो आई यूज टू कीप टू माई सेल्फ लार्जली एंड माई फ्रेंड्स वर माई बुक्स एंड माई पेरेंट्स एंड ऐसे ही मतलब मुझे लगा कि यही नॉर्मल है यार. मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे फील करवाया कि यार तुम्हें तो कुछ गड़बड़ है क्योंकि तुम्हारे स्टैमर है और मतलब तुम दोस्त आसानी से बनाते नहीं हो, अकेले में रहते हो, किताबों के साथ रहते हो, तो कुछ तो गड़बड़ होगा. मुझे अपने पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया. तो वो जो होता है ना कि एहसास से कमतरी की जो फीलिंग होती है कि मुझमें कुछ गड़बड़ है, लो सेल्फ एस्टीम है, वो नहीं था. पर जब मैं LED श्रीराम कॉलेज में जब मेरी एडमिशन हुई और वहां जाके जब मैंने पीयूष मिश्रा की एक नाटक देखी स्टेज पे, तो कुछ एक मतलब लगा कि यार ये कैसे इंसान है, ये जो एक्टर्स हैं, ये मुझे तो मतलब मैं किसी एक बंदे के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ और ये स्टेज पे इतने लोगों के सामने एक कैरेक्टर नहीं कितने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. व्हाट लेवल ऑफ एम्पथी इज दैट. आई वाज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे एंड and that's when I just started practicing Buddhism also at that time, Saurav. So I really started, I challenged my Buddhist practice to see if by practicing Buddhism can I overcome this fear that I have of not being able to express myself in a public forum. And I decided to take up acting as a challenge. I just wanted to prove that I can overcome this and do it once. Because if I can do this, if I'm so afraid of being, you know, on stage or expressing myself openly, I was so afraid of that. And when I saw Piyush Mishra, I was also so attracted to it. You know, it's that combination of like, it was lethal. Feeling so attracted to a world and at the same time knowing that you can never enter this world. Because it is so scary. And it was this strong push and pull. And Buddhism really became the middle path for me. At that time, you know, I was 17. I had just encountered this Buddhist philosophy. And I wanted to see that can I truly apply this philosophy and be able to fight this fear in my life. And for me, I think even today, 22 years later, Saurav, for me, acting is still about fighting of a certain fear, you know, fighting a certain limitation that I have. So that is truly like how that journey began for me. And then, of course, Anurupa Roy, who is an incredible puppeteer and has got India so much glory, was my senior in Lady Shriram College and Anurupa under Roy, her direction. Right? Ji, Anurupa Roy. She has a puppetry company called Kat Katha and I have worked with her while I was in LSR, worked with her even after I left LSR, and she's an incredible, incredible teacher. And so under her warmth and encouragement and the seniors of Lady Shriram ki jo dramatic society mein jo mere seniors the, I think under their warmth and the warmth and confidence that practicing Buddhism gave me, I started realizing that actually this human body and this human mind is capable of doing anything. And life was really just a series of challenging your mind that is telling you can't do it, you know. So for me, acting is even now, it's like a zid, you know. And when I read a script, जब लगता है कि स्क्रिप्ट पढ़ के कि यार ये कैसे करूंगी, पंजाबी नहीं आती मुझे, ट्रक चलाना है, मैं तो गाड़ी नहीं चला सकती, या सर की स्क्रिप्ट जब पढ़ी कि यहाँ तो मराठी बोलनी है और इतनी सेंसिटिव टैबू सब्जेक्ट है, कैसे करूंगी. जब व्हेन आई एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ फियर
इट मेक्स मी फील कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, डर लग रहा है मतलब करना ही पड़ेगा, यू नो दैट मीन्स देयर इज समथिंग आई विल लर्न फ्रॉम दिस. सो दैट हैज रियली बीन बीन द जर्नी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई डोंट थिंक पीयूष भाई इवन नोज अबाउट दिस बट ही हैड सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस जर्नी and I'm very grateful for the warmth of Lady Shri Ram College Dramatic Society for letting me, you know, be on this journey. Ilutma, you were telling me, आपने बड़ा खूबसूरती के साथ वो पूरा बुद्धिस्ट फिलॉसफी बताई. मुझे वो हाउस ऑफ कार्ड्स में एक सीन आता है जिसमें वो कुछ मॉन्क्स आए हैं, दे क्रिएट साउंड एंड दे मेक अ बड़ा सा रंगोली काइंड ऑफ थिंग. तो केविन स्पेसी का किरदार उसको देखता रहता है ये वो, और फिर लास्ट डे पे वो उसको पूरा बिगाड़ देते हैं पूरा. मतलब आप सोचो ये बहुत मेहनत से रंगोली बन रही है और फिर एक झटके में उन्होंने खत्म कर दी वो. और इनफैक्ट मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, आई एम गोना टॉक टू द ऑथर ऑफ दैट बुक. तो उसमें एक किरदार आता है जो जिसको सब लोग पागल समझते हैं और वो बैठा रहता है एक चौराहे पे और वो हर आने जाने वाले से एक चीज कहता है, जीवन नश्वर है. जीवन नश्वर है, लाइफ इज मॉर्टल, आई मीन यू आर नॉट इमॉर्टल. तो उसका जो सेंट्रल किरदार है उसको बिल्कुल आखिरी में समझ में आता है व्हेन ही एक्चुअली स्टार्ट्स चेजिंग हिज ड्रीम्स. यार एक ही तो लाइफ है, किस चीज का वेट कर रहे हैं, इस चीज का कि लोग हमें जज करेंगे कि हम 55 की उम्र में ये काम क्यों कर रहे हैं. जीवन नश्वर है, अभी जो करना है कर लो. सो इस नश्वर जीवन में तिलोत्तमा ये कैसे तय करती है कि अभी ठीक है कुछ एक फिल्में कर ली, प्रोजेक्ट कर लिए, बट It's time to go to New York for further studies. What was that mechanism? क्या चल रहा था दिमाग में? ठीक क्या हुआ था कि मतलब मेरे जो studies के जो plan थे कि bachelor's करूँगी फिर master's करूँगी Delhi University से और उसके बाद 16 साल के education खत्म जब हो जाएगा फिर मैं बाहर जाना चाहती हूँ drama therapy पढ़ने के लिए क्योंकि मेरे साथ जो Lady Shri Ram College में हुआ जो मेरे साथ जो हुआ वो ये था कि थिएटर करते करते एक दिन अचानक और मुझे पता भी नहीं वो कौन सा दिन था कब हुआ ये बट आई रियलाइज दैट माय स्टैमर हैड गॉन यू नो सो ड्रामा हैड अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन मी एंड आई न्यू दैट समथिंग मैजिकल हैड हैपेंड एंड आई वांटेड टू स्टडी इट एंड तब साइबर कैफे थे, घर पे कंप्यूटर था नहीं. हम साइबर कैफे में गए और देखा कि ऐसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, कोलंबिया में ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ लोगों को पढ़ा रहे हैं कि ड्रामा थेरेपी, एजुकेशनल थिएटर, कि आप कैसे एक्टिंग को यूज कर सकते हैं थेरेपी के लिए. तो मुझे लगा कि मुझे यही पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे साथ ये जो मेरा जो तजुर्बा रहा था कि यू नो कि यस इट वर्क, इट डिड समथिंग फॉर मी. आई फेल कि एक कहीं तुक्का तो नहीं था और अगर तुक्का था तो फिर ट्रेनिंग की तो जरूरत होगी. मॉनसून वेडिंग कर ली मैंने पर उसके बाद क्या, अगर ये सिर्फ एक तुक्का था तो इसको हम प्रोफेशन कैसे बनाएंगे. तो पढ़ना तो है तो बैचलर्स और मास्टर्स के बीच में मॉनसून वेडिंग मिल गई. तो तब लोगों ने कहा कि भैया ये फिल्म इसकी रिस्पॉन्स इतनी अच्छी थी, ऑडियंस को इतनी मतलब यू नो फिल्म अच्छी लगी. बॉम्बे से कॉल्स आ रहे थे, तब हम दिल्ली में रहते थे कि चलिए बॉम्बे जाइए, अभी पढ़ना वढ़ना बंद कीजिए, एक्टिंग कर लीजिए. पर हमें एक तो लगा कि देखिए हम तो मतलब दिल्ली के हैं और मतलब कहीं के भी नहीं है पर अभी दिल्ली में 10 साल हो गया है, हमें तो आगे पढ़ना है और अपना PhD करना है, मास्टर्स करना है. अब एक्टिंग में थिएटर कर लिया है LSR में, जो मिलना था मुझे उससे मिल गया है. मुझे एक कॉन्फिडेंस कि मतलब कि हमारे माइंड में जो मतलब जैसे कि यू नो पुलिस अफसर जैसे बैठे हुए हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, पर आप जब माइंड को आपकी बॉडी जब एक्सप्लोर करती है थिएटर के माध्यम से तो ये माइंड में जो बैठे हुए हैं ना ये लोग ये चुप हो जाते हैं क्योंकि बॉडी की अपनी एक एनर्जी होती है, उसकी एक उसको आप मतलब कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो एंड दैट इज मैजिक. So when I experienced that and I was very grateful for it and I wanted to study. I was very curious कि ये हुआ कैसे. और अगर मेरे साथ हुआ ये duplicate किया जा सकता है किसी और के साथ, कैसे कितने बच्चे होंगे, ऐसे कितने adults होंगे
जो सोचते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। और हमारी सिस्टम ऐसे लोगों को वैसे भी स्टीरियोटाइप करती है कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट है तो ये बच्चा, ये बच्चा तो अंडर कॉन्फिडेंट है, स्टैमर है, एक्टर कहाँ से बनेगा। तो मुझे लगा कि मेरे साथ जो हुआ मुझे इसके बारे में पढ़ना है। पर लोग कह रहे थे कि नहीं अभी मानसून वेडिंग तो बॉम्बे जाइए एक्टिंग कीजिए, पर हमें तो हम बॉम्बे गए थे 14 दिन के लिए, एक दोस्त के वहां रहे बांद्रा में और काफी लोगों से मिले और सारा कुछ कुछ डायरेक्टर है हम नाम नहीं लेंगे, पर जब वो हमें मिले तो उनको बहुत मतलब वो देख के मुझे अरे आप जीन्स और शर्ट पहन के आई हैं, तो हमने कहा जी मतलब कोई ड्रेस कोड तो आपने बताया नहीं था, तो नहीं नहीं हमें लगा कि मतलब मेड, तो तब लगा मुझे यार ये Gosh. अभी मेड के ही रोल मिलने वाले हैं मुझे, कोई मुझे मैं कौन हूँ, मैं जो मतलब मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूँ तो ये लोग क्या समझेंगे। सौरभ लाइक यू हैव अ पर्सनैलिटी राइट, ललन टॉप स्टैंड फॉर समथिंग, बट इट टुक यू टाइम ना टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट यू वांट टू बी। आई हैड नो आइडिया यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्टर आई एम, आई हैड नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आई एम। एंड बॉम्बे में व्हेन आई मेट दिस डायरेक्टर दे वर वेरी वंडरफुल, पर उनको उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसके साथ करें क्या, क्योंकि हमने सोचा था शी इज अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन, ऐसे सोशल मिलियू से आई होगी, पर ये कुछ और ही है, इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है, इंग्लिश में बोल रही है, तो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे इस इंडस्ट्री में फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जब समझ ही नहीं आ रहा है तो छोड़ो ना, जो करना था मुझे मुझे पढ़ना था तो वही करो। सो आई स्टक टू माय प्लान कि मास्टर्स किया, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, 6-7 साल लग गए, गई पढ़ी वहां, जो टीचर से मुझे पढ़ना था वो NYU में पढ़ा रहे थे, चाहे वो एक पेड़ के नीचे पढ़ाते मैं पेड़ के नीचे ही पढ़ती, मुझे यूनिवर्सिटी नाम बड़े नाम से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही अमेरिका के साथ कुछ ऐसे था कि भैया अमेरिका जाना है, वो भी नहीं था। एक टीचर थे, जब मैं ऑनलाइन साइबर कैफे में देख रही थी कि ये लोग कौन है, इसके प्रोपोनेंट्स कौन है ये ड्रामा थेरेपी, तो एक क्रिस वाइन का नाम बहुत बार आया, तो मुझे लगा कि मुझे सीखना तो है तो इनसे ही सीखना है, और वो NYU में पढ़ा रहे थे तो मैं वहीं चली गई, स्कॉलरशिप मिला, फिर मैं वहां गई और फिर उनके साथ काम शुरू किया मैंने ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के पहले उन्होंने मुझे पूछा कि तो अभी क्या करेंगी आप, इंडिया जाएंगी वापस, ऐसे नहीं मैं तो आई हूँ आपके साथ काम करने के लिए, इसीलिए तो NYU में आई, मुझे NYU में भी नहीं आना था, कौन इतने प्राइवेट एलीट इंस्टीट्यूट में आएगा हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग। So he said ki matlab, I said you have a company called Creative Arts Team, so I want to join your company, I have come to NYU because of that, so that's how then I joined his company and I got a chance to really learn about acting from the time that I spent in that company, where I was not learning acting but I was watching people in circumstances that were absolutely unique. And I'll tell you a few people who were in prison was one of the set of students that I had. Women in domestic violence shelters, Arabic and Chinese kids who have just moved to the US and are having trouble in fitting into the culture. So, मतलब आप सोचिए सौरभ, एक outsider को दिल्ली से लेके मैं अभी New York आई हूँ, I am only an outsider and I am using drama to understand how to help people who are in the margins of society. Navigate life better. It was the best training. It was better than all my acting classes in NYU. You know, working in prison. Because the inmates there, the students there are serving time. And what is cinema? Cinema is how you experience time. You know, so it became my best teacher. And then I was ready. I realized ki also something happened. My love affair with America came to an end. I started seeing a lot of things about the country that I didn't like. For example? And I mean, if you can share a few. Sure. See, because I was working in the public sector. I was working as a teacher, as a drama therapist in public institutes. My salary was funded by the Department of Health and the Department of Correction.
So I work within the system. And when I work within the system, there were many, many great things about the system. But there were many systemic issues as well. Because the prisons were same-sex prisons, and yet there was a rise of HIV/AIDS in prison. So we were called by the Department of Health that while you are doing drama therapy workshops, which we are willing to fund, please do a 5-minute necessary module about safe sex and HIV and education around HIV and AIDS because it's rising in prison. And after you can do whatever you want. You can teach whatever you want. So it was mandatory. I would have to start my class with, various instructions, very latest medicines on HIV AIDS, how you contract it, various rules and all that. And one of my students, after a few classes, interrupted me and said that, what is this bullshit? I said, why? He said, why are you doing this? Nonsense education about HIV AIDS and safe sex practices because condoms are contraband in prison. So I said, how can it be condoms are contraband in prison? But, there's a rise in HIV AIDS. Then I spoke to the warden, I spoke to my boss, I spoke to the institutions, wrote letters and realized that this is the hypocrisy of America. You are saying that there is a rise in HIV AIDS in prison, but condoms are contraband because it's a same-sex prison. And this is New York. Itne liberal, itne progressive. Phir agar aap case study dekhe prisoners ke jo inmates hain, half of them are from a particular racial community. Is crime only, it's so in your face once you start working in the system. And in the case studies, you will see ki when they were kids, they were given these drugs. They were prescribed these drugs, which are given to students who act out in class. ADHD, ADDHD, ऐसे ऐसे बहुत सारे acronyms बना के रखे हैं उन्होंने, attention deficit disorder, जो हमारे इंडिया में बोलेंगे या शैतान बच्चा है, मुर्गा बना के बाहर बैठे रहो, उसको दवाई नहीं देंगे, यहाँ दवाई देते हैं, to calm that student from acting out in class. दवाई के side effect is, by the time the child reaches puberty, उसे depression होगा, anxiety होगा, then the child is put on antidepressant. Now between drugs for ADHD, depression and anxiety, by the time the child reaches puberty, 18, 19, and if they are from an economically disadvantaged group, what chance does that child have to succeed in life? A country? I couldn't understand what is this country. These were the kind of experiences which forced me to leave your PhD midway. I mean, you were in University of Michigan, I believe. No, I didn't leave my PhD. I was offered a PhD after I finished my second master's in NYU. And after working for a few years, I had thought initially I'll work because I don't like being stuck in academia for too long. I like studying and then I like working. I like studying then I... So I thought after my second master's, I'll study, I'll work, and then I'll do my PhD. But by then, my love affair with America had come to an end. I said, there's lots to learn from America, but I started feeling uncomfortable. And so I decided I want to come back. I want to come back to India. I also, at that time, that was a professional reason. And personal life, I felt like I don't want to be so far away from my parents. And I had a namesake at that time. And when Kabu gets that call about losing her parent, and I thought when I saw that film, what will I do? If I get a call like that, my father or my mother have passed away, what will I do? I'll book a flight. I'll take that flight, come to India, do the last rites. Then what? Leave my parent and go back. I couldn't imagine it, I felt it's time to go back, closer to home, and I realized I wanted to act again.
I think the system had burnt me out a lot. While it was very rewarding working within the public health system and the Department of Correction, it taught me a lot and it gave me so much. I was also mentally exhausted and I thought like, okay, it's time I came back to India. And I was also very hopeful with the kind of independent cinema that was beginning to happen. Because Monsoon Wedding, jab hua tha, Monsoon Wedding was quite an anomaly, na Saurav? But I think it was one of the few independent crossover films that did commercially well. But it was not like, you know, it was not so common to make films like that, to have actors like that, you know. So, but by the time I was there, I started seeing that there was a growth of independent cinema. And I felt like maybe now there is space for somebody who looks like me and who is like me in India. And that's why I decided to come back. And come back so to Mumbai. And come back to Mumbai, where I'd never lived. I had just come for those 14 days. But this time when I came back, I think Prism made me ready for Bombay. Because Bombay is hard. Bombay is a tough city, you know. And I think Prism, working in Prism had really toughened me up. And I was ready. I was ready because I knew now, I had a better sense of who I was. You know. Okay, so... मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं पर थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है बट बिफोर वी गेट बैक टू द फिल्म जो जिस पे इतनी बात हो रही है सर पे आई वांट क्विक कमेंट ऑन किस्सा क्योंकि मैं इरफान भाई का कहीं इंटरव्यू देख रहा था कि यार ये ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की इसी फिल्म का वेट करी इसको सब कुछ इसी फिल्म में सीखना है ड्राइविंग स्विमिंग यू नो हाउ वाज इट वर्किंग विद working with him and फिर इस तरह का role everything tell me about किस्सा how did this किस्सा happen to you किस्सा happened because this wonderful woman called Ruchi she was working with Anoop and helping him with the film at that time and suggested my name even though they were looking for 17 18 year old and I was in my 30s at that time I still, you know, I met Anoop and I auditioned for it and I was of course completely taken in by Anoop's personality. I had never met a director like him. He was so gentle, so humane, and he was very curious about me, about my background, about my parents, my childhood, you know. ज्यादातर मीटिंग्स होती हैं कि यू नो आपके पास डेट्स हैं कि नहीं और आपको स्क्रिप्ट कैसे लगी बट जब मैं उनसे मिली पहली बार ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट वेयर आई एम फ्रॉम एंड देन आई बिकेम क्यूरियस अबाउट वेयर ही इज फ्रॉम एंड ही इज ऑल्सो हैड अ क्रेजी जर्नी कहाँ से कहाँ मतलब पंजाब से उसकी फैमिली पार्टीशन के वक्त फिर कहाँ दार एस सलाम चले गए वहां से वापस आए मतलब You know, this kind of stories of migration and being an outsider. So I was very, very, I was very taken in by Anoop. And when he told me about the story, I was absolutely shocked that, you know, that his imagination could deal with things that I have felt about, but I didn't know how to express it, you know. We know now that female infanticide happens in our country. But this idea of identity, gender, to bring it through such a fable, bring it together, it was an extraordinary experience. It was an extraordinary experience to work with a director of Anoop's caliber. Of course, then when I heard Irfan is playing in it, we were all, you know, we were all so excited and I don't know I it's very difficult sort of for me to express myself about but what Kissa did for me was that it allowed me to understand that I am different and it's okay I can't fit in to this industry and it's okay Because the gift for not fitting in is that you get to play a part in a film like Kissa. That you get to work with a director like this, where you prepare for a film
for almost 2 years, you know. So that I realized the joy that I feel in preparing for something with time, that there is no shortcut. There is no shortcut, you know. And I realized I like working like that. And it was really beautiful. And with Irfan, I worked with him before as well in Shadows of Time. And my, him playing, being given a chance to play his child. Kamar Singh. Was I? Huh? Kamar Singh. That was the name of the character, no? Yes, yes. To play Kamar was really a gift that will keep giving me for the rest of my life. मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं? What I learned from Anup and Irfan. हाँ जी बताइए. Sorry, मैंने बीच में काट दिया. आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए. I thought नहीं, that... नहीं 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 ये मैं मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है इसलिए क्वेश्चन आंसर करने में, क्योंकि मैं बहुत it's still too difficult, you know, that he's not here and yet he's here. Yes. With us, because I have learned so much. Like, there is not a day that goes by when Irfan and Anup don't impact the way I work and the way I think, you know. So he is gone, but he's still very much there. And Anup is that kind of director. The kind of tools he has given me on Kissa, that those tools I use in every film. So it doesn't go with the person, you know. Ki film khatam ho gayi to matlab sab kuch bhool gaye. Abhi bhi jo cheez maine matlab Irfan ko observe karke dekha hai, unke saath baat karke hamari jo dosti bani, मतलब it is still, it's not over, it is still a gift that is giving me, you know. So आज से हम आप बात, हम आप 27 को बात कर रहे हैं, 20 दिन पहले उनका जन्मदिन था, 7 तारीख को. जी खैर, मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, किससे खेल दिए. सो थर्ड स्टैंडर्ड तक मैं अपने आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वहां पे पढ़ता था. फोर्थ से फिर मैं कानपुर, विच इज अ बिग सिटी, वहां पढ़ने आ गया. जी. So there used to be this boy, दूसरे सेक्शन में था, सेम क्लास में. तो जैसे जब आप किसी उसमें जाते हो और आपका पहले ही मंथली एग्जाम में अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ गए, तो फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है कि उस सेक्शन का टॉपर ये, उस सेक्शन का ये. तो मुझे पता चला कि मैं सेक्शन बी में था, वो सेक्शन ए में, कि सेक्शन ए का टॉपर तो एक लड़का है ऐसे रोशन नाम से. फिर एग्जाम होते रहे, फिर ओवरऑल एग्जाम हुए, तो मेरा फर्स्ट रैंक आ गया. तो हम लोग फिफ्थ में, उन्होंने क्या किया जो टीचर्स थे, कि सारे सेक्शन के टॉपर्स को एक क्लास में कर दिया कि थोड़ा बढ़िया से कंपटीशन हो, अच्छा निकले. तो अब उससे दोस्ती भी हो गई थी और एक कंपटीशन भी रहता था. उसके घर भी जाता, तो मेरे घर के पास रहता था, उसकी बहनें थी कुछ बड़ी. फिर जब हम लोग के फिफ्थ के फाइनल रिजल्ट आने वाले थे, वन फाइन डे आवर क्लास टीचर केम टू माई हाउस. And he said कि तुम्हारे साथ वो लड़का पढ़ता था रोशन. मैंने कहा हाँ पढ़ता था. तो मुझे ऐसी धुकधुकी लगी कि ऐसा तो नहीं हुआ कि रोशन फर्स्ट आ गया और मैं सेकेंड हो गया. So he said कि एक्चुअली वो रोशन नहीं, रश्मि है. तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. तो मैंने कहा मतलब? तो बोले नहीं, वो उनके घर वाले पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं, हमको भी अभी कुछ दिन पहले बताया. क्योंकि हमारी तरह वो ऐसे हाफ पैंट पहनता था, ऐसे गैलिस वाली वो, और शर्ट पहनता था वो, लड़कियों के लिए स्कर्ट पहनता नहीं था, नाम भी उसका वैसा था. तो बोले नहीं, वो उन्होंने उसको लड़के की तरह ही पाला, ये वो समथिंग समथिंग. और अब मेरे तो दिमाग फ्यूज की, ऐसे 2 साल से आप, अच्छा आसपास के लोग छेड़े भी कि तुम तो बड़ा गले में हाथ डाल के घूमते थे ये सब. और मैं सोच रहा हूँ, एक दिन हम लोग कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आ रहे थे स्कूल की तरफ से, तो रास्ते में हमें सुसु लगी. ठीक, तो हम लोग तो नाली में शुरू हो गए. उसने बैठ के सुसु की, मैंने कहा यार देखो कितना संस्कारी लड़का है, कि सब लोग हमें सिखाते हैं गांव में भी बड़े बुजुर्ग, की हमेशा बैठ के सुसु करनी चाहिए. एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट. लेकिन बाद में व्हेन यू गेट टू नो दिस, तो आप ऐसे डॉट्स कनेक्ट करते हो थोड़े थोड़े, कि why he was not, मतलब उतना हम लोग साथ वो कुश्ती कबड्डी टाइप की चीजें क्यों नहीं खेलता था. हम लोग तो अच्छा पढ़ने वाला है, ठीक है. एंड देन वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन आया. तो वो ऐसे पठान सूट जैसा, जिसको हम लोग आज के टाइम कहते हैं यूनिसेक्स ड्रेस, वैसा कुछ पहन के आया, कान में बाली. और वो आई डोंट नो, मतलब आई वाजंट रेडी फॉर इट. मेरे लिए वो थोड़ा सा फ्राइटनिंग सा भी था to see him like that, क्योंकि आप 2 साल से किसी को एक तरह से देख रहे हो और एकदम से
फ्लिप हो गया। एक दिन मुझे ध्यान है वो मुझे बाजार में दिख गया, तो मुझे लगा कि अगर मतलब वो ऐसे आ रहा था, मैं ऐसे जा रहा था, मैंने कहा अगर हम सामने पड़ गए तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, तो मैं गली में मुड़ गया फटाक से। आई डोंट नो हाउ शुड आई डिस्क्राइब दिस बिहेवियर, बट फिर बाद में पता चला कि हाँ वो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाने लगा है, 6th 7th 8th में, इज डूइंग गुड, एंड ऑफ कोर्स वी वर नॉट इन टच, बट दैट 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 कीप्स कमिंग टू मी कि वो उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि वो 5th तक एक आइडेंटिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है स्कूल में एनवायरमेंट में, एंड देन आई डोंट नो सो मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। आई मीन थिंक ऑफ इट कि जो 5th में मेरे साथ लड़की पढ़ती थी वो लड़की 6th में गर्ल्स स्कूल में गई और उसमें उसका ये क्लासमेट था, तो उन लोगों के लिए कैसा रहा होगा, मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। Yeah, but you know, while we were preparing for Kissa, Saurabh, there's so many stories of people who came forward, like, because we are a society that thinks a male child is better than a female child. So many children have been raised to, you know, raised to be like men. Haan, matlab, ye toh mera beta hai. Aray, ye toh beti nahi, beta hai. That whole thing which we repeatedly say. I mean, yeah, beti hai, that, jaise apne aap mein kaafi na ho. Exactly. Exactly. ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरे बेटे जैसा है, you know? कि मतलब बेटी में क्या खराबी है? So, but there are women who have, like, मतलब partition के वक्त तो अलग ही था, as if they had to protect themselves by dressing up like men so that they were not violated and raped. Yes. That was a different time. There are so many stories from that time where women, you know, dressed up as men to remain safe. But even after the threat was gone, they continued living like men. I've heard stories of women who, even after the partition was well over and they had, you know, they were not, their lives were not at risk, they continued. Because they're like, now we know only this way, you know. And, but there must be so many families where a child is just, you know, parents don't accept a child's sexuality or their gender preferences or sexual preferences and force them to be in a certain way until the child breaks. And it's not possible for the child to continue with that act. But when you're talking, it's reminding me the kind of conversations we used to have back at home when we got to know about this Roshan Rashmi thing. Elders trying to explain ki aisa to nahi hai ki wo kahin yunak to nahi hai, isliye chhipa. I mean, and अभी हमें ये पता, मतलब जैसे आज की तारीख में इतना शायद पढ़ने और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ये एक अर्जित सेंसिबिलिटी है कि बच्चों के सामने आपको क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, कि इम्प्रेशनेबल एज है और हाउ टू इंट्रोड्यूस देम टू वेरियस टॉपिक्स एट सर्टेन एज, पर वहां पे वैसा कुछ नहीं था। सो आई यूज्ड टू थिंक अरे यार ऐसा, फिर यूनक्स के बारे में आपके दिमाग में एक सर्टेन स्टीरियोटाइप है, तो वो डिस्कशन की अच्छा जब कोई अगर बाई बर्थ ऐसा होगा तो क्या उसको उठा के ले जाते होंगे, I mean, it was very bizarre. But anyways, I think this comes, this kind of violence happens when we try to live in a society where we want to see things as black and white, as binary, zero or one. Yes. Either you're male or you're female. Either you're heterosexual. You know, so I feel... That's the problem. The problem is because... We don't accept anything that is neither black nor white. If you're going to be so violent about living in a society which believes in extremes, yes, then there's going to be casualty. What about the people who don't fit in? Yes. What about us who don't, you know, neither are we super masculine or super feminine, you know? And that's what I loved about the experience of shooting for Kissa. Was a celebration of androgyny, where you celebrated the uniqueness of each individual rather than trying to slot them as man, woman. Man walks like this, woman walks like this, man sits like this, woman sits like this, you know. So these are, because we are so paranoid that we want to keep things in black and white. But not every, we human beings are very complex. We can't just...
slot them like this. And if in fact, you do, Tilotama, you're talking about so binary. ये बाइनरी हम हर चीज में फेस करते हैं, हर चीज में, वो लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, जेंडर, आई मीन बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स, और आपको कि अच्छा या तो ये है या तो ये है. या इट्स लाइक नेशनलिज्म आल्सो, इधर यू आर अ देशभक्त और यू आर अ ट्रेटर, यू नो, लाइक इट्स, देयर इज नो, देयर इज नो रूम फॉर एनी काइंड ऑफ नुआंस, देयर इज नो रूम फॉर सेलिब्रेटिंग द मिडिल वे. It has to be one or the other. And why should I have to choose that side? Yeah, it's the same thing even in my profession, right? Either you can be mainstream or you have to do art house. Why? When I choose a film, I choose a film because I like it. You know, if it becomes a mainstream success like Monsoon Wedding did, or today, Sir, a very independent film is trending on Netflix. It is showing the power of a story. Yes. When you don't, and it's showing, telling me that don't worry about this, these extremes. Just do your work. You know. And when you were saying these last lines, मुझे सर का last scene याद आया. What a beautiful way of ending the story. एकदम call आता है रत्ना, जो आपका किरदार है, pause, 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 and you really don't know कि ये pause कुछ लंबा खिंच गया. This is not a usual movie pause. Here, please, I can pause and you say something. Yes. And then you start feeling uncomfortable. क्या कहेगी, क्या कहेगी, pretty line कहेगी. And the moment she says Ashwin, मतलब वो एक ऐसे पेड़ को pedestal बराबर आ जाता है कि नहीं पता आगे क्या होगा, नहीं होगा, they'll stay in touch, नहीं, लेकिन that whole act of calling his name, beautifully written. Please congratulate to Rohana. I mean, she is. I will. The story very nicely and thank you. Taking care of all the aspects. Yeah, it's a very. I will definitely tell her. In fact, Tilotama, these are the kind of films. These are the kind of films. जैसे मैं अक्सर बातचीत में दोस्तों से कहता हूँ कि जैसे जो हैना गैट्सबी का एक्ट है नैनेट, वो हमारे स्कूल के सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए. ये जो आपकी फिल्म है, ये इसलिए दिखाई जानी चाहिए सो दैट जो हम लोग के दिमाग में बाय डिफॉल्ट बायस्ड हो गए, जिनको हम रियलाइज भी नहीं करते. जब आप बोल रही थी तब मैं ये चीज सोच रहा था, ये कितने गिवन है, ये कि अरे ये तो ऐसा ही होता है. तो उनको शैटर करते हैं जो भी नैरेटिव, दे शुड बी पार्ट ऑफ अवर स्कूल करिकुलम वेयर पीपल वॉच एंड डिस्कस. या बिकॉज़ आई थिंक एजुकेशन इज व्हाट इज जस्ट नोइंग मोर अबाउट योरसेल्फ ना, कि मेरे में मतलब Who am I? Oh, I am this person. I have these kind of beliefs. My God, you know, that is learning, you know. So, and you know what sort of that scene, that last scene, mujhe laga ki I'm an actor. So, Tilotama has to just, I have to, itne sare film ke scenes kar liye hain. Aur to is scene mein to mujhe lines bhi nahi learn karne hai, na koi Marathi hai. So, it should be fairly easy to do. मुझे जस्ट फोन उठाना पड़ेगा, फोन बजेगा ना, टू जस्ट से अश्विन एक लाइन, इसमें प्रिपरेशन भी कुछ नहीं है. बट व्हेन दैट सीन स्टार्टेड एंड आई स्टूड देयर एंड विवेक वाज ऑन द फोन, ही एक्चुअली मेड दैट कॉल, ही वाज, आई कुड हियर हिज ब्रेथ एंड आई टू रियली थैंक हिम फॉर बीइंग सच अ सपोर्टिव एक्टर थ्रू आउट, इवन व्हेन ही इज नॉट इन अ सीन और आई एम नॉट इन अ सीन, इफ We are required to help each other. We were there, you know. But I found that pause was long because as Ratna, you know, we in Shakespeare says, what's in a name? Tilotama, Saurabh, I call you by your first name. You know, you can call me by my first name. No big deal. Why? Because we are the privileged and the entitled. What's in a name for us? But As Ratna, I felt, I thought, okay, I'm going to say it now. But it was like my breath was stuck. And I realized that, my God, it is so difficult to be Ratna and to say his name. You know, it was such a transgression. Like, it really felt like, look, you know, matlab kisi ne Lakshman dekha, matlab wahan draw kar diya ki naam to le hi nahi sakte ho. ये तो आपके सर हैं, इसका नाम तो ले, मतलब सोसाइटी ने इतनी डीपली एंट्रेंच्ड है दिस क्लासिज्म
that I found it difficult and I thought ये pause तो जरूर करने वाला है edit में या कुछ और take करें क्या, but that take was kept, you know, the take in which I struggled to say his name. Because what is easy for us is almost impossible for somebody else, you know. What are your upcoming projects, Tilotma? Anoop Singh's next film. Okay. I'm really thrilled that he is doing another film with me. And Reema Das's film. Okay. She has made Village Rockstar and Bulbul Can Sing. And also a debut director called Soumyananda Sahi and his wife Tanushree. They are both directing this film. I'm very, very excited about this film. Soumyananda Sahi is already one of India's most promising and incredible DOPs. He has shot all these films, Saurabh, Nasir, E. Baleu, Bale Kempa, you know, so like really incredible films that have won India awards all over the world. And he's an extraordinary human being. So this is his debut film. So these three films are there. And बाकी अभी सर के बाद बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत स्क्रिप्ट हैं, वेब सीरीज काफी हैं, तो पढ़ रहे हैं. I have not made up my mind and nothing's been finalized yet, but these three films I'm very excited about. And all of them have long preparation. So बहुत time है to learn Assamese for Reema's film and to prepare for. There should be one Indian version of Babel on You. I would love to do a film, you know, Saurabh, there's a film by Olivia Assayi where this actress, very famous actress called Maggie Cheung, and she is a, you know, very celebrated actress who's done all these iconic Chinese films, and so she dates this French director called Olivia Assayi. They got married and he made this film where in one scene Maggie Cheung is speaking in French. She's in a French restaurant, speaking in English, goes into the kitchen, speaks in Cantonese, comes out, speaks in English. And, you know, you realize that Olivia Assayi knew Maggie Cheung as a human being who knew so many languages, who had lived in so many different worlds. That's why he could cast her in a film where you don't see one person as only one unidimensional. And it is my dream sort of to act in a film where a character in one scene is, you know, talking to my mother in Bengali and then, talking to my boss on the laptop on a Zoom call in German because perhaps I work for a German company and then go out, but my work is in maybe somewhere in Punjab. I'm posted in Punjab, so I have to learn Punjab. I have to speak in Punjabi when I go out to buy my groceries. But it would be so wonderful to play because in today's world, we are so lucky to have such diverse influences that I would love for our cinema to also catch up with people, with stories where a person is not just one thing and one language, but like, I don't know what you call it in Hindi, but in Bengali, mein katha is like a rajai, bahut sare kapde mila ke, you know, matlab what leftovers. Oh, I have a couple of scarves of katha print. Yes, so, patches jod ke, rajai banti hai. So mujhe lagta hai shayad Air Force ki upbringing ho ya jo matlab jo tajurba raha hai, experience raha hai, to mujhe lagta hai ki hum aise hi kuch rajai hain jo matlab yahan se kuch liya aur then it's many many things come together, you know, it's not one thing. I would love to play a character like that, who is nobody and everybody, you know. Yes. What are you reading these days, Tilotma? What am I reading these days? I'm actually right now reading only scripts, Saurabh, because these web series are like 8 to 10 episodes. Each episode is 45 pages, and I'm the kind of actor who really likes reading a script before meeting a director or. So I'm just reading a lot. Thanks to sir. I'm trying.
for 1 year, I have not seen any TV show. I have not been able to read anything because I've just been taking care of my wonderful parents in this lockdown time. And I've just gotten back to work now, so I'm just reading frantically. And it's quite wonderful to see that scripts are being written where people are speaking very different kind of languages. It's not just the same tone. It's various kinds of languages from various parts of India. So that makes me very happy. Thank you. धन्यवाद प्रोत्मा शोम. इस पूरी एक घंटे से कुछ ज्यादा की बातचीत के दौरान एक पत्रकार के तौर पर तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने काम को कैसे निभा पाया, पर एक इंसान के तौर पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. खास तौर पर एक 17 साल की लड़की का बुद्धिज्म के साथ वो तजुर्बा जो आगे जाके ऐसे अनुदित होता है जिंदगी में, ट्रांसलेट होता है कि अगर किसी चीज से भय लग रहा है तो फिर उसको जरूर करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है. और ये सारी बातें भी कि जो आपने वो कांथा के संदर्भ में कहा कि हम एग्जैक्टली कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं हैं, उन सब संशयों के बीच अगर हम तमाम बाइनरीज को खत्म कर पाए तो शायद ज्यादा ह्यूमन बन पाए. इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर टॉकिंग टू यू फॉर ललन टॉप अड्डा. थैंक यू सो मच. गुड लक. कीप डूइंग इंस्पायरिंग वर्क. Thank you, Saurav. Thank you for supporting and thank you for never making me feel less, because I'm not able to fluently speak Hindi as beautifully as you. Thank you for भाषा तो सिर्फ एक जरिया है और आप तो इतनी सारी भाषाएं बोल लेती हैं. You are our Indian Babel. But I'm not good at anything. But I'm not no, good you, at anything. You are like good. The kind of mastery you are good that and you have. I'm sure you know that you are good at expressing yourself. The way we were talking about Ratna's pause, मतलब रत्ना के सारे डायलॉग एक तरफ और that long pause एक तरफ, तो आप किसी भी भाषा में बोले, the if you have actually felt the pain, जैसे आप वो बता रही थी कि about that prison workshop thing you were doing on HIV and that prison inmate, he says something and the expression while you were describing, तो वो communicate कर देता है. So yeah, आंगिक, वाचिक और कई तरह के अभिनय होते हैं. आप अपना खूब ख्याल रखिए और इसी तरह से शानदार काम करती रहिए. थैंक यू सो मच ललन टॉप अड्डे पर आने के लिए. इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो प्रिय दर्शक, जरूर बताइए, क्योंकि संवाद का सिलसिला चलते रहना चाहिए. शुक्रिया.